श्राप वृक्ष खत्म हो रहे हैं और आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। अभी नवरात्रों में आप पहला नवरात्रा कैसा मनाएं ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सुबह उठकर अपना नहा धो लें, अपना घर साफ करें, मंदिर की सफाई करें और एक कलश में जल भरकर उसमें वरुण देवता का आह्वान करें, उसमें एक सिक्का डालें, कलश पे स्वस्तिक बना के मोली बांधें और एक नारियल ला के उस पर भी स्वस्तिक बनाएं, उस पर भी मोली बांधें। तीन बार मोली बांधनी है आपको, जय माता की जय माता की जय माता की बोलते हुए, और उस नारियल को कलश पे रखें घर में, माँ की घी शुद्ध देसी घी की जो जलाएं और भोग रखें मेवे का और माता रानी की आरती करें और उनसे दुआ मांगे कि हमारा घर खूब फले फूले और खूब समृद्धि हो, हमारे घर में बरकत हो। इसी तरह आप और लहसुन प्याज का परहेज रखें, सात्विक रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपने मन विचार वाणी सब संयम से रहें। इसी प्रकार आप नवरात्रे मनाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। पहले नवरात्रि में माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। ये शैलपुत्री जो पार्वती जी का रूप माना जाता है, शिव की पत्नी पार्वती और हिमालय की बेटी, इसका शैलपुत्री रूप कहलाता है। इस दिन माँ की शैलपुत्री रूप की पूजा होती है, खूब बरकत रहती है, खूब धूमधाम से पूजा करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और अच्छे से माँ को मनाना चाहिए। अगर आप खेतरी बीज सकते हैं तो एक मिट्टी का बर्तन लाइए, उसमें रेता भर के उसमें जौ साफ करके थोड़े से भिगो दीजिए, ऊपर से तीन बार पानी का छींटा डालिए जय माता की बोलते हुए, और उसमें चारों तरफ रोली बांधिए, आपके घर में खूब हरियाली रहेगी, खूब बरकत रहेगी, वो खूब फलेगी फूली, जितनी बढ़ेगी उतनी आपके घर में बरकत रहेगी, हरियाली रहेगी। जय माता दी।